फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हाई स्कूल के चैप्टर को मैंने देखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हाई स्कूल के चैप्टर जो थे उसके राइटर थे, पोएट्री के जो राइटर थे, प्रोज के जो राइटर था हाई स्कूल के, उसके बारे में इसके जो राइटर थे हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, चलने से पहले इंटर के पोएट्री में चलने से पहले जो अभी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन हमारे अपडेट आपको पहुंचते रहे, हमारे जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक वो पहुंच सके। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने वीडियो में चलते हैं। इंटरमीडिएट लिखे हुए क्या है, इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट, इंटरमीडिएट में कितनी चैप्टर हैं आपके, उसके कौन कौन से पोएट हैं, उन सारे के बारे में हम लोग चलते हैं। कभी कभी इंटर जो है आपके यूपीटेट के एग्जाम में पूछता है राइटर का नाम, जो है आपके इस बार के 2018 के सिलेबस में तो ये चीज़ें नहीं है, लेकिन पिछले वर्षों में पूछा था, इसलिए मेरे पास जो है कई लोगों ने कहा कि सर जो है इंटर के सारे चैप्टर आप डाल दीजिए, तो मैंने जो है इसे कलेक्ट किया हुआ है इंटर के पोएट्री का, क्योंकि कोर्स का कभी आता नहीं है इसलिए पोएट्री का मैंने कलेक्ट किया हुआ है। तो चलते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट आपके जो है 11th और 12th, अब तो 11th अलग हो गया, 12th अलग हो गया है, लेकिन पहले 11th और 12th में कितने चैप्टर हुआ करते थे, 20 चैप्टर। पोएट्री में कितने हुआ करते थे, 20 चैप्टर, यही 20वां चैप्टर आपके पोएट्री के हैं। अब चलते हैं, पहला चैप्टर आपका क्या था, मर्सी। इंटरमीडिएट का पहला चैप्टर आपका क्या है, मर्सी। मर्सी का राइटर कौन है, राइट पोएट कौन है, विलियम शेक्सपियर। आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर का नाम तो सुना होगा पहले से, ठीक है। तो मर्सी के आपके राइटर कौन हो गए, राइटर मींस पोएट कौन हो गए, विलियम शेक्सपियर। मर्सी किसने लिखा हुआ है, विलियम शेक्सपियर ने। और मर्सी में क्या था, मर्सी में आपको याद होगा तो थोड़ा सा ध्यान होगा, तो मर्सी में क्या था कि दया के बारे में बताई गई थी, दया कैसे गुण होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे वो राजा से बढ़कर के भी हो जाता है, जब राजा के अंदर जो है दया की भावना आ जाती है तो ईश्वर के समान हो जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें मर्सी में बताई गई है। इसके राइटर कौन है, विलियम शेक्सपियर। मर्सी को किसने लिखा हुआ है, विलियम शेक्सपियर ने। दूसरा है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ एक जो है प्रसन्न जीवन का क्या कैरेक्टर होनी चाहिए, क्या चरित्र होना चाहिए, उसको लिखे हुए हैं सर हेनरी ओटन ने। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी ओटन ने लिखा हुआ है। आपका ए तो इम्पोर्टेंट था, ए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ को किसने लिखा है, सर हेनरी ओटन ने लिखा हुआ है। आगे आता है द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरियू, ये भी इम्पोर्टेंट है, कब आ सकता है, द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैरियू ने लिखा हुआ है। तो ट्रू ब्यूटी को किसने लिखा हुआ है, द ट्रू ब्यूटी वास्तविक सुंदरता क्या है, ठीक है, क्या कोरल लिप्स वास्तविक सुंदर है, क्या आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, शारीरिक सुंदरता क्या आपकी ट्रू ब्यूटी है, यही इस चैप्टर के बारे में बताई गई है द ट्रू ब्यूटी में, ठीक है। इसके जो है पोएट कौन से हैं, थॉमस कैरियू। द ट्रू ब्यूटी के पोएट कौन से हैं, थॉमस कैरियू, ठीक है। उसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी इंपॉर्टेंट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है, पूछा भी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपका पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, यूपीटेट के एग्जाम में ऑन हिज ब्लाइंडनेस पूछा भी जा चुका है, किसके पोएट कौन से हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसके पोएट कौन से हैं, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन अपनी कम उम्र में ही क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे, 40-42 साल की उम्र नहीं होगी जब ये अंधे हुए थे, तो इसी अपनी अंधेपन पे ही इन्होंने क्या लिख दिया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा हुआ है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसके बाद पांचवा चैप्टर है फ्रॉम एन एलजी रिटेन इन अ कंट्री चार्ट, एक एलजी जो कंट्री चार्ट में लिखी गई हो, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको किसने लिखा है, थॉमस ग्रे ने। एलजी रिटेन इन कंट्री चार्ट को कौन लिखा है, थॉमस ग्रे ने। एलजी रिटेन इन अ कंट्री चार्ट कौन लिखा है, थॉमस ग्रे ने। आपका अगला दिस स्कॉलर, स्कॉलर मींस विद्वान, स्कॉलर मींस क्या होता है, विद्वान। दिस स्कॉलर स्कॉलर को किसने लिखा है, रॉबर्ट सऊदी। दिस स्कॉलर को किसने लिखा हुआ है, रॉबर्ट सऊदी। दिस स्कॉलर के राइटर आपके कौन हो गए, रॉबर्ट सऊदी, ठीक है।
और इसके बाद एजुकेशन ऑफ नेचर, एजुकेशन ऑफ नेचर, जहां नेचर की बात आई फॉर्म वर्ड्सवर्थ पूछते हैं, पोएट ऑफ नेचर, इसीलिए वर्ड्सवर्थ को कहते हैं द पोएट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहते हैं, पोएट ऑफ नेचर, प्रकृति प्रेमी थे। तो एजुकेशन ऑफ नेचर, नेचर की शिक्षा, तो लिखा कौन है इसको, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो एजुकेशन ऑफ नेचर के राइटर कौन हो गए आपके, मींस पोएट कौन हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ। एजुकेशन ऑफ नेचर को लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला आपका आता है, ये भी इंपॉर्टेंट था, एजुकेशन ऑफ नेचर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अलेमेंट, अलेमेंट, अलेमेंट किसने लिखा हुआ है, पीबी सैली ने। अलेमेंट को किसने लिखा हुआ है, पीबी सैली ने। नेक्स्ट आता है लॉ एंड जेमसन्स मर्सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड जेमसन्स मर्सी किसने लिखा है, जॉन किट्स ने, जॉन किट्स, लॉ एंड जेमसन्स मर्सी, जॉन किट्स, जॉन किट्स और पीबी सैली दोनों क्या थे, जॉन किट्स और पीबी सैली दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों की मृत्यु 24-25 साल की एज में हो गई थी। पीबी सैली की भी, जॉन किट्स की भी, दोनों की डेथ लगभग 24-25 साल के एज में हो गई थी। तो लॉ एंड जेमसन्स मर्सी को किसने लिखा है, जॉन किट्स ने लिखा है। अगला आता है टू द पीपल्स, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप जान जाओ, टू द पीपल्स किसने लिखा है, हेनरी एल डेरोजियो, हेनरी एल डेरोजियो, टू द पीपल्स लिखा लिखे भी है हेनरी एल डेरोजियो। टू द पीपल्स के पोएट कौन से हो गए, हेनरी एल डेरोजियो हो गए। ये आपके 10 चैप्टर थे, इधर चलते हैं अब। अगला चैप्टर आता है द पासिंग ऑफ आर्थर, द पासिंग ऑफ आर्थर, इसकी राइटर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप जानते हो, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर के राइटर कौन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, वो कैप्टन माय कैप्टन, वो कैप्टन माय कैप्टन को किसने लिखा हुआ है, वॉल्ट विटमैन, ये पूछा हुआ यूपीटेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। वो कैप्टन माय कैप्टन के राइटर कौन है, वॉल्ट विटमैन, वो कैप्टन माय कैप्टन वॉल्ट विटमैन लिखे हुए हैं। फ्रॉम डोवर बीच, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानते रहो, डोवर बीच को किसने लिखा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। अवर कॉजरी नॉटरी, अवर कॉजरी नॉटरी तोरुदत्ता ने लिखा है, अवर कॉजरी नॉटरी तोरुदत्ता ने लिखा है। और तोरुदत्ता अपनी कम उम्र में ही काफी कुछ चीजें जानने लगी थी, सीख गई थी, इंग्लिश भी जानती थी, फ्रेंच भी जानती थी और कई जो है लैंग्वेज को जानती थी। और 21 साल की उम्र में इनकी क्या हुई थी, तोरुदत्ता की डेथ हो गई थी। 21 साल की उम्र में तोरुदत्ता की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। लेकिन 21 साल में इन्होंने इंग्लिश भी सीखा, फ्रेंच भी सीखा, इटालियन भी सीखा, जर्मन भी सीखा, ये काफी लैंग्वेज सीखी हुई थी किसने, तोरुदत्ता ने। और इन्होंने क्या लिखा है, अवर काजरीना ट्री, एक पेड़ है, काजरीना आपका एक पेड़ होता है। अगला चैप्टर आपका है माई हेवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, माई हेवन किसने लिखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई हेवन को किसने लिखा हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, माई हेवन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। अगला चैप्टर इफ है, रुडयार्ड किपलिंग, ये भी कभी कभी पूछ देता है, इफ किसने लिखा हुआ है, ठीक है। इफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ को किसने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। उसके बाद नाइटिंगेल्स, नाइटिंगेल्स को पूछता है, नाइटिंगेल्स को किसने लिखा है, रॉबर्ट ब्रिज ने। नाइटिंगेल को किसने लिखा हुआ है, रॉबर्ट ब्रिज ने। नाइटिंगेल के पोएट कौन से हो गए, रॉबर्ट ब्रिज हो गए। उसके बाद स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, बर्फ वाले शाम को एक जंगल में रुकना, किसने लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेलांकिन बियर्स, पेलांकिन बियर्स, पेलांकिन बियर्स, सरोजिनी नायडू ने लिखा है। पेलांकिन बियर्स पहले डोली जाती थी और उसी डोली के बारे में उन्होंने लिखा है, पेलांकिन बियर्स, जो डोली को पहले क्या करते थे, जब विदाई होती थी तो एक घर से, जब अपने घर से जो अपने मीन्स नए घर से जो भी होता हो वहाँ से अपने नए वाले घर में जब जाती थी तो उन्हें डोली में ले जाया जाता था।
और उसी के बारे में लिखा हुआ है सरोजनी नायडू ने पहला क्वीन बियरर्स। तो आपके पहला क्वीन बियरर्स के पोएट कौन हो गई? सरोजनी नायडू। आगे है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, इसके जो है राइटर कौन है? स्वामी विवेकानंद। द सॉन्ग ऑफ द फ्री, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वतंत्रता के लिए गीत के राइटर कौन है? स्वामी विवेकानंद। ये आपके इंटरमीडिएट की पोएट्री थी, इंटरमीडिएट की जितनी भी पोएट्री है उसके राइटर हो गए आपके, और उसकी उसका पोयम का उस पोयम का नाम हो गया और राइटर हो गया। यही आपके इंटरमीडिएट में इतने पोएट हैं, इतने उसकी जो है क्या है पोयम है, 20 पोयम है और 20 इसके पोएट हो गए। ये आपका कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसे आप जो है अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि वो चीजें आपके आ सकती है, भले आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन चीजें आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट कौन हो गया? पर्सी विलियम शेक्सपियर, द ट्रू ब्यूटी थॉमस कैल्यू, ऑन हिज नाइन डेज जॉन मिल्टन, फ्रॉम एन एलजी रिटन इन द कंट्री चर्चर थॉमस ग्रे, और एजुकेशन ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ इंपॉर्टेंट हो गए, लव एंड एब्सेंस मर्सी जॉन कीट्स इंपॉर्टेंट हो गए, ओ कैप्टन माय कैप्टन वॉल्ट विटमैन हो गए, और माई हैवे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, इफ रुडयार्ड किपलिंग हो गए, नाइटिंगेल्स रॉबर्ट ब्रिज हो गए, और उसके बाद द पैलेट क्वीन बियरर्स सरोजनी नायडू हो गई, और दी सॉन्ग ऑफ द फ्री, और इसके जो पोएट कौन हो गए? स्वामी विवेकानंद। ए आपके इंटरमीडिएट की जितनी भी पोएट्री थी उसके जो है पोएट और पोएम हो गई। तो इतना आप लोग जो है इसके जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो तो अच्छी तरह आपको तैयार होना चाहिए, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी टेट का, तो आपको इतनी चीजें जो इम्पोर्टेंट मैंने बताई है इतनी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। और आपका हाई स्कूल इंटर से कुछ भी नहीं आने वाला है, एक कहानी आती है आपकी मर्चेंट ऑफ फिनिश से, हाई स्कूल के जो है जितने कोच है उसकी भी कभी कभी कहानी पूछ देता है, और एक मर्चेंट ऑफ फिनिश से पूछता है। तो मर्चेंट ऑफ फिनिश की कभी कहानी आप लोग को बता देंगे, अच्छी कहानी कैसे थी, उसमें जो है कौन कौन से पात्र थे, कौन कौन से उसके कैरेक्टर थे, वो सारी चीजें जो है अगले वीडियो में आपको डाल देंगे। तब तक आप लोग इतना जो है इंटरमीडिएट की जितनी पोएट है जितनी उनकी पोएम है उसे आप क्या कर लोगे? लर्न कर लोगे। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो यूपी टेट का तो आप इसे जरूर लर्न कर लोगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना न भूलें, जिससे यह चैनल उन लोगों तक पहुंच सके जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो दूर से हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाए हों, या जिनका नेटवर्क प्रोवाइड ना हो सका हो उन तक पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स।